हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 2 माइनस रूट 3 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सिंपल, हमारे पास वही तरीका है क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह आप क्या पुट करोगे, a प्लस एच। तो 2 माइनस रूट 3 cos x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच, मतलब a क्या है पाई बाई 6 प्लस एच माइनस साइन, x की जगह क्या पुट करोगे आप, a प्लस एच, ठीक है, ध्यान रखना है, और डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ओह सॉरी, ये पाई बाय 6 है ना, a प्लस एच, एक्स की जगह a प्लस एच, a क्या है पाई बाई 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने कर लिया। अब हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं जरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और देखिए ये मैंने ऐसे इसको कर ली, ब्रेसेस में बंद किया, ठीक है, क्या लगेगा cos a प्लस b, पाई बाई 6 कैसा बिहेव करेगा a जैसा और h कैसा बिहेव करेगा b जैसा। cos a प्लस b क्या होता है, cos का फॉर्मूला है तो क्या होगा, cos cos तो पहले आएगा मतलब cos a cos b, और यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस sin a sin b। ये देखिए cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो रूट 3 cos a cos a cos b, a की जगह पाई बाई 6, b की जगह h, cos a cos b माइनस माइनस sin a sin b, sin a sin b ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगा हुआ है, ये sin a प्लस b का जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो ब्रैकेट में होगा, बिकॉज यहाँ माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। तो sin a प्लस b क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या है, होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, देखिए पाई बाई 6 का क्या मतलब होता है, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई हो गया 180 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिग्री है ना, मतलब cos 30 sin 30 की वैल्यू हमें देखनी है। चलिए देखते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में cos पाई बाई 6 मतलब cos 30, cos 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2, तो क्या हो जाएगा रूट 3 बाय 2 इंटू cos x, सॉरी cos h, cos h माइनस sin पाई बाई 6 कितना होता है 1 by 2 sin 30, 1 by 2 into sin h minus sin pi by 6, फिर से 1 by 2 into cos h minus, sorry, plus cos pi by 6 root 3 by 2 into sin h, sin h divided by 6x minus pi का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 तो ऐसे ही होगा, ठीक है, माइनस से आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, 3 3 बाय 2 इंटू कॉस एच माइनस माइनस प्लस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 बाय 2 इंटू साइन एच, ठीक है, ये हो गया, यहां से ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस प्लस माइनस 1 बाय 2 इंटू कॉस एच माइनस प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 इंटू साइन एच डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई होल स्क्वायर।
अब ये देखिए रूट थ्री बाई टू इंटू साइन एच पॉजिटिव है, रूट थ्री बाई टू इंटू साइन एच नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, बनाते हैं इसको, इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches to zero, two तो ऐसे ही रहेगा, like terms क्या है आपके पास, minus one by two cos h और minus three by two cos h और minus one by two, minus one by two sin h, sorry ये भी तो cos h है, cos h divided by 6x minus pi whole square, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दोनों टर्म है ये आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, या आप कैसे भी कर सकते हो, आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें हैं, 2 minus, देखिए मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने cos h कॉमन ले लिया, minus cos h मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, माइनस का साइन कॉमन लिया ना, तो क्या बचेगा, प्लस 3 बाय 2 और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 बाय 2 divided by 6x minus pi whole square, 3 by 2 plus 1 by 2 कितना होता है, 4 by 2, और 4 by 2 कितना होता है, 2, 3 by 2 plus 1 by 2 कितना होता है, 4 by 2, और 4 by 2 कितना होता है, 2, तो क्या हो गया, into 2, अब देखिए 2 common हो जाएगा numerator में, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 2 कॉमन कर लिया मैंने, तो क्या हो गया मेरा 1 माइनस, यहां पे देखिए 2 चला गया, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इनटू 1, तो यहां 1 बच जाएगा, माइनस 2 चला गया, तो क्या हो जाएगा, cos h डिवाइडेड बाय 6x, ओह सॉरी, देखिए इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह भी तो क्या रखोगे, चलिए मैं यहां कर लेता हूं, आप उसको देख लीजिएगा, इस x की जगह भी हम क्या रखेंगे, ये वाला जो x है ना, x की जगह क्या रखते हैं, a plus h, मतलब pi by 6 plus h, ये हमें रखना चाहिए था, minus pi, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको ठीक से कर लीजिएगा, x की वैल्यू क्या रखनी है, a plus h, मतलब pi by 6 plus h, pi by 6 ही तो था ना इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू, हाँ pi by 6 थी, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 2 आगे आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और देखिए 1 माइनस cos h कौन सा फॉर्मूला लगा हो गया, 1 माइनस cos 2a वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर और एंगल का हाफ, मतलब h का हाफ, h by 2 डिवाइडेड बाय 6 into pi by 6, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 6 into pi by 6 plus 6 into h minus pi whole square, ठीक है, देखिए 6 से 6 cancel हो गया है ना, और plus pi से minus का pi cancel हो जाएगा, plus pi से minus का pi cancel हो जाएगा, तो plus 6h का square हो गया है ना, तो plus 6h का square क्या होगा, 6 का square 36 बाहर आ गया, और h का square मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, ठीक है ना, और ये 2 पहले जा चुका था, ये वाला देखिए ये 2 पहले जा चुका था, और ये वाला 2 अभी किससे आया है, 1 minus cos h से, 2 sin square h by 2 से, तो ये 2 भी आगे आ जाएगा है ना, इस 2 को भी मैंने आगे लिख लिया, ये हटा दिया यहां से, अब 2 2 जा 4 और 4 by 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, limit h approaches to 0, देखिए sin h by 2 into sin h by 2 divided by h का square h into h, h का square h into h, but क्या चाहिए, h by 2 चाहिए, तो 2 से divide, 2 से multiply, 2 से divide, 2 से multiply, ये 2 2 जा 4 बाहर ले आऊंगा मैं, तो 1 by 9 into 4, limit h approaches to 0, ये 2 2 जा 4 बाहर आ गया ना, constant है, तो क्या हो गया, sin h by 2 into sin h by 2 divided by h by 2 h by 2, ये 2 2 कहां गया, 2 2 is a 4 बाहर आ गया है ना, 9 4 जा 36 हो जाएगा, अब
हमें पता है as x h approaches to 0 dividing by 2 on both side h by 2 also approaches to 0 by 2 मतलब 0 ठीक है h approaches h by 2 also approaches to 0 तो ये देखिए 1 by 9 4 36 और देखिए लिमिट आप अप्लाई करोगे एक बार इस पर और एक बार इस पर थीटा 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 h by 2 तो क्या हो जाएगा 1 into 1 मतलब आंसर कितना हो गया 1 by 36। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हो, जो हमारा एक रूल है वो ये है, जो कॉमन रूल है x is equals to a plus h आप पुट करोगे और h approaches to 0 रखोगे, है ना। बट अगर आप थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि दूसरा जो तरीका है वो क्या है, क्या किया हमने, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड और इसमें भी 2 से आप मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो देखिए is equals to limit x approaches to pi by 6, ठीक है ये हो गया, और 2 minus root 3 cos x में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड माइनस sin x में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है 6x minus pi का whole square। जब आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फंडा करते हो ना तो इनमें से कोई फॉर्मूला लगना चाहिए, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी लगना चाहिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई सिक्स, अब टू माइनस माइनस टू कॉमन ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक माइनस टू कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, यहां पॉजिटिव का रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बाय 2 कॉमन लिया है, सॉरी 2 कॉमन लिया है, क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए कैसा आ रहा है। और एक चीज और मैं थोड़ा सा इसमें करना चाहूंगा, क्या देखो मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर में दिया है ना, क्या 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर, यहां से अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं मान लीजिए तो 6 तो कॉमन आएगा नहीं, 6 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो x by 6 माइनस क्या हो जाएगा ये, सॉरी x by 6 क्यों, x 6 चला गया ना, 6 का स्क्वायर x बचेगा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक है इस तरीके से ना। तो वही मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाए ना, ये जो आपको मिला है x माइनस पाई बाई 6, इस पे आप लगा के देखो, साइन लगा के देखो, फिर कॉस लगा के देखो, एक फॉर्मूला ऐसा सेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ कैसा है, प्लस है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा, कॉस का फॉर्मूला लग रहा होगा, बिकॉज जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पर मैंने कॉस लगा के देखा, ठीक है। तो देखिए कॉस और एक्स कैसा बिहेव करेगा, ए, और पाई बाई सिक्स कैसा बिहेव करेगा, बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा होता है, ठीक है। कॉस एक्स और कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू देख लो, पाई बाई सिक्स का मतलब 30 की, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू इंटू साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी कॉस एक्स कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू, प्लस लगा है लगा दिया, साइन एक्स साइन पाई बाई सिक्स मतलब साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, देखिए सेम बन रहा है ये, देखिए रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस एक्स, रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस sin x into 1 by 2, sin x into 1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x minus pi by 6 मैं लिख सकता हूँ। कैसे पहचाना मैंने, मैंने denominator देख के पहचाना है ना, फिर पूरे में से आप 2 common ले लोगे ना तो ये वाला formula बन जाता है 1 minus cos 2 वाला। अभी देखो मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, limit x approaches to pi by 6 2, देखिए ये 2 देख लिया मैंने कि common हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये देखिए 1 minus cos वाला formula बन रहा होगा, बनेगा कैसे, यहां से मैंने 6 जब कॉमन लिया और जो भी बचा उसके साथ मैं लगा के चेक करूंगा, साइन लगाऊंगा फिर कॉस लगाऊंगा फिर देखूंगा ये फॉर्मूला किससे फिट हो रहा है,
तो ये जो है वो फिट हो रहा है किससे, cos x माइनस पाई बाई सिक्स में ये फिट हो रहा है। ठीक है, आप इसको ओपन कर दो, cos a, सॉरी ये ऐसा रखेंगे ना भाई, cos x माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो cos a माइनस बी लगाओ आप, cos a cos b, ये देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर, यहां पर भी हो गया 6x माइनस पाई का। अब आपको समझ में आएगा, देखिए ये हटाया यहां से कर्ली ब्रेसेस, और इसके बारे में पूरा सोचो, आपको क्या कॉमन मिलेगा, 2। ठीक है, तो यहां से यहां तक मैंने 2 कॉमन ले लिया और वो 2 लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो 2 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6, तो क्या बच गया आपका यहां पे 1 है ना, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 2, तो यहां 1 बच गया माइनस, यहां पर भी क्या बच गया 2, तो ये चला गया, तो क्या हो गया आपके पास cos x माइनस पाई बाई सिक्स ऐसा आया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ऐसा ही नीचे आना चाहिए सेम, तो यहां से आप 6 कॉमन लोगे नीचे से, 6 तो कॉमन आएगा नहीं, स्क्वायर लगाए तो क्या कॉमन आएगा, 6 का x स्क्वायर, 6 चला गया, x माइनस क्या हो जाएगा यहां पे पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 6 का स्क्वायर 36 कॉन्स्टेंट है, 2 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैच कर रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है, या मैच चलो नहीं भी कर रहा हूं कोई बात नहीं, बट आपको फॉर्मूला मिल रहा है 1 माइनस कॉस 2a, ये देखो 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a, मतलब एंगल आपका हाफ हो जाएगा। करते हैं, अच्छा 2 बाय 36 कितना हो जाएगा कैंसिल होके 1 बाय 18, तो ये हो गया 1 बाय 18 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई सिक्स, 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर, ये एंगल हाफ कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर, ये वाला एंगल जब हाफ होगा तो कैसे हाफ होगा, x माइनस पाई बाई सिक्स, हाफ करने का मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x बाय 2 माइनस पाई बाई 12, तो ये हो गया x बाय 2 माइनस पाई बाय 12, ये साइन का एंगल है, डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 6, x माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा कहा गया, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाला है ना, तो ये सब मैच करना चाहिए, तो देखिए ये x बाय 2 माइनस पाई बाय 12 है, बट ये x बाय 2 नहीं है और ये पाई बाय 12 नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए ये अंदर x में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और पाई बाई 6 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, इस टर्म के न्यूमरेटर में 2 से ऐसे कर लो, इस टर्म के न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर या न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में और 2, या इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे कर लो, जैसे भी करना है आप कर सकते हो। और ऐसा करने से मेरा क्या फायदा है, ठीक है, देखिए ऐसा करने से मेरा क्या फायदा है, अच्छा ये भी 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 आगे आ जाएगा, फिर से ये 2 आगे आ गया, तो यहां से 2 ये हट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय, देखिए x बाय 2 को ऐसे रहने दीजिए अंदर है ना, माइनस पाई बाय 6 2 से 12 को ऐसे रहने दो, और ये वाला जो 2 है और ये 2 है इसको आप बाहर लोगे कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन नहीं आएगा, स्क्वायर लगाया ना इसलिए 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 बाय 18, 2 अंजा 2 9 था, तो 1 बाय 9 तो ऐसे है, और 2 का स्क्वायर 4, ये भी लिमिट के बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 क्या हो गया, साइन x बाय 2 माइनस पाई बाय 12 इंटू साइन x बाय 2 माइनस पाई बाय 12, स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, इसलिए साइन इंटू साइन कर दिया। अब इसके नीचे इसको सेट कर दीजिए,
x by 2 minus pi by 12 into x by 2 minus pi by 12, ये देखिए थीटा थीटा यहां पर भी क्या होना चाहिए थीटा है ना। तो मैंने आपको बताया आप आराम से कर सकते हो, देखिए x approaches to pi by 6 है, subtracting pi by 6 on both side जीरो हो गया, now multiplying by 1 by 2 on both side, ठीक है, तो x by 2 minus, तो हम लिख सकते हैं as x approaches to pi by 6, therefore x by 2 minus pi by 12 also approaches to zero, limit change करना जरूरी है, ऐसे थोड़े ना हम limit apply कर सकते हैं ना, because देखिए यहाँ पे थीटा 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 तीनों मैच करने चाहिए ना, तो ये और ये मैच करना चाहिए, तो ये हमने चेंज कर ली लिमिट, क्या हो गया x by 2 minus pi by 2 लिमिट के नीचे लिखना है approaches to 0। एक बार आप इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करोगे, ये 9 4 36 हो गया तब भी 1 हो जाएगा, और एक बार इस फंक्शन पर अप्लाई करोगे तब भी 1 हो जाएगा, तो 1/36 इसका आंसर है, ये हमने दूसरे तरीके से किया, ठीक है, और पहले भी हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 6, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 6 root 3 sin x minus cos x divided by x minus pi by 6 ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो बस सिंपल सा फंडा है, इसी को मैंने पकड़ा, ठीक है, और x minus pi by 6 जो नीचे आ रहा है ना, इसी पे मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दूं अगर, है ना, तो इस पर कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई कर, या फिर एक काम करते हैं वैसे ट्राई कर लेते हैं पहले, x is equals to a plus h से करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, ये h approaches to 0 पट कर दिया, ठीक है, और root 3 sin x की जगह कितना रख देंगे a plus h, मतलब pi by 6 plus h minus cos, x की जगह कितना रख दोगे a plus h, a क्या है आपका pi by 6 है, plus h divided by x की जगह कितना पुट करोगे आप a plus h, मतलब pi by 6 plus h, और minus pi by 6 तो है पहले से ही, pi by 6 से pi by 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, is equals to limit h approaches to 0 root 3 ऐसे ही रहेगा, और यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो किसका, sin a plus b क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसी तरीके से, ये माइनस लगा हुआ है लगा दिया, और ब्रैकेट में रख के फॉर्मूला लगाएंगे, cos a plus b क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b, है ना, क्योंकि a क्या है आपका pi by 6 और b क्या है h divided by denominator में h आ गया, is equals to limit h approaches to 0 root 3 ऐसे ही रहेगा, sin pi by 6, pi by 6 का क्या मतलब होगा, pi by 6 का मतलब होगा 30 डिग्री, तो sin 30 कितना होता है 1 by 2 into cos h plus cos pi by 6, cos pi by 6 का मतलब क्या होगा cos 30, cos 30 कितना होता है root 3 by 2 into sin h, ये माइनस लगा हुआ है, इससे आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो माइनस ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा प्लस, तो माइनस cos pi by 6 की वैल्यू कितनी होती है root 3 by 2 minus root 3 by 2 into sin, सॉरी इनटू कॉस एच, इनटू कॉस एच, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 6 1 बाय 2 इनटू साइन एच, अब अच्छा डिवाइडेड बाय एच है ये मैंने कर दिया, अब देखिए जरा ये रूट 3 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां क्या आ जाएगा रूट 3 बाय 2, और ये √3 इस √3 में मल्टीप्लाई करके √3 इनटू √3 3 होता है, ये देखिए √3 बाय 2 cos h माइनस का √3 बाय cos h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और
क्या हो गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, देखिए 3 बाय 2 साइन h प्लस 1 बाय 2 साइन h कितना हो जाएगा 4 बाय 2 साइन h हो जाएगा ना डिवाइडेड बाय h। भाई आप इन दोनों को ऑपरेट कर लोगे ना 3 बाय 2 साइन h प्लस 1 बाय 2 स्लाइट टर्म्स है ना ऐड हो जाएंगे, साइन h कॉमन ले लो, साइन h जब आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कितना होता है 4 बाय 2, तो 4 बाय 2 साइन h, ये देखिए 4 बाय 2 साइन h ये किया मैंने ठीक है। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू, और ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h बाय h ठीक है। अब देखिए थीटा 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 इज इक्वल्स टू 2 इनटू ये पूरा लिमिट अप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 1, तो 2 इनटू 1, तो ये तो आ गया कौन से तरीके से a प्लस h वाले तरीके से। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा के, तो क्या किया मैंने ये देखिए x माइनस पाई बाई 6 ऐसा है और यहाँ पे साइन कैसा है देखो माइनस का है, मतलब मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें कि यहाँ मुझे क्या मिल रहा हूँ माइनस है ना, तो या तो कॉस लगा दूं, तो कॉस अगर मैं लगाऊं तो कॉस ए माइनस बी, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ कॉस लगा रहा हूँ तो ये ए जैसा बिहेव करेगा ये बी जैसा, कॉस ए माइनस बी तो cos a माइनस बी, लेकिन साइन कैसा आता है माइनस में प्लस का, लेकिन मुझे कैसे चाहिए माइनस का, तो मैं cos नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा साइन, तो यहां पे लगाया मैंने साइन, तो साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब इसको जब मैंने सेट किया तो क्या आ गया साइन x cos पाई बाई 6 कितना होता है रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2 माइनस कॉस एक्स है ना, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1 बाय 2, तो देखिए थोड़ा सा मैच करा रूट 3 बाय 2 साइन एक्स ठीक है कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आ रहा है ना कोई बात नहीं, रूट 3 साइन एक्स तो मिला ना कोई बात नहीं, माइनस लगा कॉस एक्स मिला मिला ठीक है, तो किसकी कमी बढ़ रही 2 की, इसलिए इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से क्या करोगे इसको डिवाइड, तो देखिए ये पूरा मैंने ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला नंबर 2 बाहर ही रखो और डिवाइडेड बाय 2 को कहां भेज दोगे अंदर, तो 2 बाहर आ गया ये वाला 2 लिमिट से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 और रूट 3 ये डिवाइडेड बाय 2 अंदर जाएगा, तो रूट 3 बाय 2 साइन x माइनस ये डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ भी जाएगा, तो 1 बाय 2 इनटू cos x। अब ये बंदा आप पूछे कि 1 कहां से आ गया भाई, ये 1 बाय 2 ही तो अंदर भेज लो ना, ये 2 को लिख लो 2 इंटू 1, 2 बाहर चला गया 1 बाय 2 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 1 बाय 2 इंटू रूट 3 रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 इंटू कॉस एक्स 1 बाय 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 6 ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा गेस करके बनाते हैं कि कैसे फॉर्मूला कौन सा बनना है, तो अच्छा मैंने रब कर दिया कोई बात नहीं, चलिए देखिए 2 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 इसको आप देखिए, ये सपोज मैंने लिखा sin a cos b मतलब ऐसा माइनस cos a into sin b, ये देखिए यही क्या है रूट 3 बाय 2 है ना, उसको मैंने cos पाई बाय 6 लिख दिया, माइनस लगा है cos x ऐसे ही लिख दिया, 1 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय, हिंट कहां से लेते हैं हम नीचे से देख के हिंट लेते हैं ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया ना आपका 2 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है sin a cos b, x a जैसा बिहेव कर रहा है और पाई बाय 6 b जैसा बिहेव कर, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b है ना, a की जगह क्या a की जगह x और b की जगह क्या b की जगह π by 6 ठीक है डिवाइडेड बाय x माइनस π by 6 बन गया, आपको पता ही आंसर वन आ जाएगा, लिमिट यहां चेंज कर लो है ना, as x अप्रोचेस टू π by 6 है, नाउ सबट्रैक्टिंग π by 6 ऑन बोथ साइड, तो x माइनस π by 6 अप्रोचेस टू π by 6 माइनस π by 6 π by 6